क्या कहते हैं? सांवला साह। हाँ जी, अरे आवाज तो यहाँ आने दो। हाँ जी, बाप और दादा। बाप हमारे दो हैं, बेहद के बाप एक है या दो? दो बेहद के बाप हैं, लेकिन दोनों बेहद के बाप
कंबाइंड ही रहते हैं या कभी अलग भी होते हैं? हैं? संगम युग में, संगम युग में दोनों बेहद के बाप कंबाइंड हैं। और जो मनुष्यों का बाप है बेहद का, वो आत्माओं के बाप शिव से जुदा नहीं किया जा सकता। आत्माओं के बाप को पुरुषार्थ नहीं करना है। किसको पुरुषार्थ करना है? जो देहधारी मनुष्यों का बाप है उसको पुरुषार्थ करना है। और इस सृष्टि पर सदा कायम कौन सा बाप है? है? जो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है वो सदा कायम है, तो उसी के लिए ये बात बोली गई है। वो है बाप, जो आत्माओं के बाप के बगैर बाप भी नहीं कहा जा सकता, कोई इसे पहचानता ही नहीं, उसे राम बाप भी कहा जाता है। और दादा है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता, कौन? कृष्ण की आत्मा। ये दोनों पुरुषार्थी हैं। शिव को पुरुषार्थी नहीं कहेंगे, पुरुष माने आत्मा, आत्मा के कल्याण अर्थ जो किया जाए उस करने वाले को पुरुषार्थी कहा जाता है। शिव बाप का तो कभी अकल्याण होता ही नहीं, होता है तो उनको पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं। और आगे की बात पूरी होने दीजिए। हाँ जी, शिव बाबा प्रजापिता को सामने रखते हैं। शिव बाबा जब कहा जाता है तो प्रजापिता और शिव दोनों का कॉम्बिनेशन ही शिव बाबा कहा जाता है। ब्रह्मा को बाजू में, दो आत्माएं हैं साकार रूप में पार्ट बजाने वाली, जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाती है। हीरो के रूप में पार्ट बजाने वाला कौन? इसको कहते हैं प्रजा का पिता, राम बाप। वो हुआ ऊंच से ऊंच, ऊंच से ऊंच। निराकारी दुनिया की बात है या साकारी दुनिया की बात? साकारी दुनिया की बात है। तो वो हीरो पार्टधारी हुआ ऊंच से ऊंच पार्टधारी। बाकी नंबर दो में फिर कौन है? हाँ, कृष्ण वाली आत्मा। उसको बाजू में रखेंगे या ऊपर रखेंगे? हैं? बाजू में रखेंगे। और हाँ जी, भीषण माने भयंकर। पितामह कहा जाता है बाबा को, और वो सन्यासियों के बड़े थे। सन्यासी लोग जो होते हैं वो अपन को शिवो हम मानते हैं। इसलिए अपन को बड़े से बड़ा लकब देते हैं। भीषण प्रतिज्ञाएं उन्होंने की,
भयंकर प्रतिज्ञाएं की जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए जो भी बाबाएं हुए हैं उन बाबाओं में पितामहों में उनका नाम बाला है। और चरिया खरिया मांगना से मरना बाला, एक ही बात में सारी बात आ जाती है। चरिया खरिया तो उनसे भी अच्छे हुए। चरिया खरिया तो पागल को कहा जाता है। पागल के लिए ये थोड़े कहते हैं मर जाता तो अच्छा था। चंदा मांगना भी भक्ति मार्ग है। भक्ति में मांगना करना चंदा करना होता है। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी सब कुछ अपने पुरुषार्थ से कमाते हैं, आशीर्वाद की भी कोई बात नहीं है। नौ सौ ग्यारह हाँ क्या है? हाँ नौ सौ ग्यारह का क्या मतलब? क्या हाँ हाँ जी हाँ जी विजय तो नहीं होने वाली है। नहीं तो विजय नहीं होने वाली है। जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे, बड़े बड़े राजाएं निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। और जब तक ये सन्यासी नहीं निकलते जिन्होंने जन्म जन्मांतर पवित्रता का पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारी विजय नहीं होगी। इसलिए मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ दिखाया है उसमें सबसे मोटी जड़ कौन सी दिखाई है? मोटी माने पावरफुल, सन्यास धर्म की जड़ दिखाई है। प्योरिटी ही बड़ी पावर है। प्योरिटी की पावर से दुनिया में सारे कार्य होते हैं। आज की कलयुगी दुनिया में भी जो भी विजय हासिल होती है वो पवित्रता की पावर से ही होती है। नहीं तो विजय ही नहीं बन सकते। बाबा हमको वरदान देते हैं, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिनमें योग बल ज्यादा होगा वो ज्यादा पवित्र बनेंगे और उस पवित्रता की पावर से ज्यादा विजयी बनेंगे, नंबरवार पद पावेंगे। और सदगति तो एक पापी करने वाला है। हाँ जी, दुनिया में सबको गुरु क्यों कहा जाता है? दुनिया में कहते हैं, बाबा थोड़े ही कहते हैं, बाबा के बच्चे थोड़े ही कहते हैं सदगुरु। दुनिया वाले भी सिख लोग तो यही कहते हैं एक सदगुरु निराकार। सब गुरुओं को सदगुरु थोड़े ही कहते हैं। तो दुनिया वालों की बात हम क्यों उठाएं? दुनिया तो गड्ढे में जाने वाली है। गड्ढे में जाने वाले उनके वर्तन को हम क्यों उच्चारण करें? हाँ जी है? हाँ निष्ठा मतलब क्या है? निष्ठा, निष्ठा माने याद में बैठना, उसको कहते हैं निष्ठा। और बाबा कशिश माने? कशिश माने खींच। बाबा
रोशनी में अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता है। है? रोशनी में अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता है। हाँ जी। लेकिन सतयुग जो रोशनी है, सतयुग में कलयुग की काली आत्माएं कैसे प्रवेश करती है? सतयुग में काली आत्माएं प्रवेश करती है। काली आत्माएं कलयुग में होती हैं या सतयुग में होती हैं? कलयुग में आत्माएं पाप कर्म करते करते काली हो जाती है। सतयुग तो सत्य का युग है, वहाँ कालापन कहाँ से आएगा? वहाँ तो अंधेरा भी नहीं होता है, सदैव उजेला ही उजेला रहता है। जैसे नॉर्थ पोल में 6 महीने का दिन हो जाता है, ऐसे सतयुग त्रेता युगी दुनिया में सूर्य अस्त होता ही नहीं। हिस्ट्री में अंग्रेजों के लिए एक टाइम ऐसा आया था कि कहते थे कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। उसका अर्थ ये नहीं है कि सारी दुनिया में उजेला उजेला रहता था, उनका राज्य का इतना विस्तार हो चुका था कि 24 घंटे में कहीं न कहीं दुनिया में सूर्य उदय बना ही रहता था। बाकी ऐसे नहीं है कि उनके राज्य में अंधेरा होता ही नहीं था, और वो भी अल्पकाल की बात थी। सतयुग में तो 2500 वर्ष तक लगातार सवेरा ही सवेरा उजेला ही उजेला रहता है, कभी सूर्यास्त नहीं होता। अंधेरी आत्माओं का क्या सवाल? आत्माएं वहां जानती ही नहीं कि अंधेरा क्या चीज होती है। आत्माएं काली होती ही नहीं, आत्मा की रोशनी शरीर छोड़ते समय भी इतनी रहती है कि उनको साक्षात्कार हो जाता है कि अमुक माँ बाप के घर में जाकर हमको जन्म लेना है, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। और नवरात्रि क्यों कहते हैं? नवरात्रि का जो 9 दिन का रहता, रात्रि शब्द क्यों लगा? जैसे शिवरात्रि कहते हैं, शिव कब प्रत्यक्ष होता है? हैं? घोर अज्ञान की रात्रि जब हो जाती है तो शिव प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, तो 76 जैसे कि अंधेरे में बाप प्रत्यक्ष हुआ, दुनिया में तो अज्ञान का अंधेरा फैला ही होता है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक की दुनिया थी वो भी अज्ञान अंधेरे में पड़ी हुई थी। उस घोर अज्ञान अंधेरे के बीच में एक मुकर्रर रथ के अंदर बाप प्रत्यक्ष होता है, जिसको दुनिया उस समय नहीं जानती है। ऐसे ही जो नवरात्रि हैं वो नौ देवियों की प्रत्यक्षता की यादगार है। वो तब प्रत्यक्ष होती है जब संपूर्ण रूप से संसार में बाप प्रत्यक्ष होता है। देवियों की मान्यता भारत में है या विदेशों में है? भारत में है। भारत में ही शिवरात्रि मनाई जाती है, भारत में ही नवरात्रि मनाई जाती है। शिव शक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है,
ऐसे तो नवरत्न भी हैं, अष्टदेव भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन नवरत्नों और उन अष्टदेवों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष नहीं होता। शिव की शक्तियां गायी हुई हैं, वो शक्तियां जब शक्ति रूप धारण करती हैं, तो अज्ञान अंधेरे का नाश हो जाता है। उनमें पहली पहली देवी है उषा, लक्ष्मी। सूर्य जब उदय होता है वो तो हद का दिन होता है, तो अंधेरे का मुकाबला सीधा सूर्य करता है या उषा की लालिमा करती है? तो देवी भी अकेली प्रत्यक्ष नहीं होती, नंबरवार आठ देवियां उससे जुड़ी हुई हैं, इसलिए नवरात्रि प्रसिद्ध है। और बेसिक मुरलियों को एडवांस नॉलेज समझते हैं, हैं? बेसिक मुरलियों को एडवांस नॉलेज समझते हैं, तो फिर ये मुरलियों को फर्जलस क्यों कहा जाता है? बेसिक मुरलियों को एडवांस नॉलेज समझते हैं? बेसिक की जो मुरलियां हैं वो संक्षेत्र तक पढ़ते रहे, एडवांस नॉलेज थी क्या? हैं? थी नहीं थी? बेसिक की मुरलियां सुनने सुनाने के काम आई, उनके वाक्य, उनके महावाक्य किसी की समझ में नहीं आए। ये समझने समझाने का काम जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष होता है तब ही शुरू होता है, उसको कहते हैं एडवांस ज्ञान। मुरली के कागज के पत्तों को एडवांस ज्ञान नहीं कहा जाता, उसकी जो समझानी है उस समझानी को एडवांस ज्ञान कहा जाता है। इसलिए मुरली में बोला है कि जो वाणी पढ़ करके सुनाई जाती है वो है थर्ड क्लास वाणी, और जो टैप रिकॉर्ड में सुनाई जाती है वो है सेकंड क्लास, और जो डायरेक्ट बात सुनाते हैं वो है फर्स्ट क्लास। इसलिए एडवांस ज्ञान बाप ही सुनाते हैं टीचर के रूप में, माँ जो ज्ञान देती है वो प्राइमरीली ज्ञान देती है, बेसिक ज्ञान देती है, उसको एडवांस ज्ञान नहीं कहेंगे। और बाप कहते हैं कि तुम कन्याओं ने श्रीखंडी बनकर भीष्म पितामह को ज्ञान मारी। हाँ जी, वो कन्या ज्ञान माला विजय माला की कि रुद्र माला की? रुद्र माला विजय माला में जो भी निकलने वाले मणके होंगे वो कन्याओं की तरह लचीले स्वभाव वाले होंगे या रुद्रमाला की तरह कड़क स्वभाव वाले होंगे? हैं? विजयमाला के जो भी मणके निकलेंगे वो कन्याओं की कोटि के होंगे, और रुद्रमाला में चाहे स्त्री चोले में ही क्यों न हो भाव स्वभाव से कड़क स्वभाव के होते हैं। ये बाप के बच्चे हैं, ये शिव की माला है,
रुद्रमाला रौद्र रूप धारण करने वाले की माला है, उससे रुद्र ज्ञान यज्ञ बनता है। ब्रह्मा के मुख से जो सुनाया गया उसको रुद्र ज्ञान नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मा कोई रौद्र रूप नहीं धारण करता। कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। ये शिव के जो डायरेक्ट बच्चे हैं वो भी सीधे तरीके से नहीं सुधरते हैं। जब दुनिया में विनाश बरपा होता है तो सीधे हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए शिखंडी का पाठ रुद्रमाला के कोई मणके हैं जो अभी स्त्री चोले वाले हैं, वो पुरुष रूप में भी स्वभाव संस्कार से मुखर हो जाते हैं। इतने हट्टी स्वभाव के हैं कि दुनिया को चेंज करने वाले हैं, दुनिया उनको चेंज नहीं कर सकती। बाप ही उनको चेंज कर सकता है। बाबा, सुभद्रा का और रुक्मिणी का हरण हुआ ऐसे बाबा ने कहा है, और द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, तो ये शूटिंग पीरियड में किस हिसाब से करो? द्रौपदी अग्नि की औलाद है, ये योग अग्नि कही जाती है, ज्ञान अग्नि कही जाती है। ऐसे कि नहीं कि कंपिल नगरी में कुंड बना हुआ है, उसमें कोई स्थूल यज्ञ हुआ और स्थूल आग में से द्रौपदी पैदा हो गई? नहीं, स्थूल आग की बात नहीं है, योग अग्नि की बात है, ज्ञान अग्नि की बात है। तो द्रौपदी का पार्ट निराला है, उसका नाम ही है ध्रुवपदी। नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, क्योंकि ज्ञान अग्नि की औलाद है, योग अग्नि की औलाद है। सुभद्रा तो पार्टी अलग है, सु माने सुंदर है, भद्र माने कल्याणकारी। द्रौपदी को तो कितना तिरस्कार सहन करना पड़ता है। सुभद्रा का पार्ट अलग, द्रौपदी का पार्ट अलग। और रुक्मिणी, सुभद्रा और रुक्मिणी का हरण, रुक्मिणी का आरती है जो मणि बनते बनते रुक गई, हरण हुआ बोले। हाँ जी, दोनों का हरण होता है। दुनिया जो है ऐसी कन्याओं को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, उनको सहारा नहीं मिल देती। दुनिया दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उनको सहारा दे करके निकाल सके। भगवान को ही सन्नद होना पड़ता है। इसलिए दोनों का पार्ट है
जिसको भगवान का सहयोग मिलता है डायरेक्ट, नहीं तो निकल भी नहीं सकती। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को सब कुछ देता हूँ। हैं? सब कुछ देता हूँ। सब कुछ? हाँ। साक्षात्कार की चाबी नहीं देता हूँ। हैं? लेकिन बाप को परम नाम में बिंदु है, शरीर बिना कुछ कर नहीं सकते, तो फिर द्वापर रूप में भक्तों को साक्षात्कार कैसे कराते हैं? वो चाबी कोई स्थूल है क्या, जो स्थूल सारण शरीर शरीर धारण करके ही देंगे? हैं? स्थूल चाबी है या सूक्ष्म है? वो तो सूक्ष्म चीज है। और मुरली में कहा है, है? मुरली में बोला है। हाँ जी। कि जो कंकील में या फारुखाबाद में कन्याएं जो समर्पित है, तो वो बिना इसके टाइम पर बाबा उनको नवन दाबुल ले जाएंगे। और जो भाई लोग हैं, मैंने कंपिल फरुखाबादी कन्याओं को माउंट आबू ले जाएंगे और दूसरी कन्याओं को नहीं ले जाएंगे? हैं? ये कहो कि कंपिल फरुखाबाद में जा कर के सरेंडर हुई है, और वो तो सभी सरेंडर हुई है? जो सरेंडर नहीं हुई है भाई वगैरह कोई माता वगैरह। हाँ तो आपको कैसे पता कौन से भाई कितना मन बुद्धि से सरेंडर है और कौन सी माताएं कितना मन बुद्धि से सरेंडर हैं या नहीं है? आपको कैसे मालूम? ये तो मालूम नहीं बाबा। हाँ जी, ये अंदर की चीज है। और ऊपर बेलपत्र के पत्ते जो चढ़ाए जाते हैं। हाँ जी। जिसको त्रिमूर्ति का प्रतीक समझा जाता है। हाँ जी। त्रिमूर्ति के प्रतीक वाले अधिक पेड़ों के पत्ते होते हैं, उनको क्यों नहीं चढ़ाया जाता? उसको श्रीफल नाम दिया है, ये पेट के लिए बहुत मुफीद फल है। और दूसरे जो फल होते हैं वो पेट के लिए इतने उत्तम नहीं होते, वो है स्थूल फल, और स्थूल पेट के लिए कल्याणकारी है। लेकिन जो त्रिमूर्ति रूपी फल पत्ते हैं वो बुद्ध रूपी पेट के लिए कल्याणकारी है। उन त्रिमूर्ति से जो फल निकलते हैं, जो आत्माएं निकलती हैं, वो शेष आत्माएं ऐसी निकलती हैं जो दुनिया वालों के बुद्ध रूपी पेट को दुरुस्त कर देती हैं। इसलिए उसका नाम है श्रीफल, बिल्व पत्र। बाबा जी। हाँ जी। ये दुनिया में डील क्यों नहीं लगती? क्या नहीं लगती? डील? डील। दुनिया में डील क्यों नहीं लगती? जब दुनिया में दिल नहीं लगेगी तो एक बाबा में ही दिल लगेगी। दुनिया में दिल ना लगने की निशानी क्या होगी? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और जब बुद्धि में एक ही शिव बाबा रह जाएगा तो वो एकलव्य का पार्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? है? किसको लव करने वाला? एक को लव करने वाला। उसकी पहचान क्या होगी? वो जिसको भी बाण मारेगा वो बाण काम करेगा, तीर लग जावेगा। अब विचारी याद का तीर बहुत तीखा होता है, सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हमारी दुनिया में दिल नहीं लगती है, वो प्रैक्टिकल में रिजल्ट भी देखने में आवेगा। क्या रिजल्ट? जिसको भी बाण मारेगा वो बिना घायल हुए नहीं बचेगा। और बाण मारने वाला वही उस्ताद है जो पहले घर का उद्धार करे फिर पर का उद्धार करे। बाबा
हाँ जी, बाप साकार में प्रवेश करता है तो जिस साकार में प्रवेश करता है वह पत्थर बुद्धि होता है। हाँ जी, इसीलिए कलयुग अंत में पत्थर का लिंग बनाते हैं। हम्म, तो ये प्रवेशता के पहले पत्थर बुद्धि की बात है बाबा? पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए शिव बाप आते हैं। पारस बुद्धि आज में ही बनता है या अंत में बनता है? और पारस बुद्धि नंबरवार बनेंगे या एक साथ ही बन जाएंगे? नंबरवार बनेंगे। इसका मतलब जो पहले नंबर में पारस बुद्धि बनना होगा वो पहले नंबर में शिव बाप को पहचानेगा, क्योंकि शिव बाप उस मुकर्रर रथ में ही प्रवेश करके अपनी पहचान देते हैं, नहीं तो कोई को उसकी पहचान हो ही नहीं सकती। इसलिए जमदे जामदे नहीं होता है। सब बच्चों के लिए एक ही नियम है कि शुरुआत में जो बच्चे बाप को पहचानते हैं, बाप से जन्म लेते हैं, उन बच्चों को बाप उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं। तो बच्चे समझते हैं कि हमारी बहुत अच्छी अवस्था है, परंतु वो अच्छी अवस्था जो सबने आज में अनुभव की है, सतो प्रधान स्टेज, वो बाप के सहयोग से बनी है या अपने अपने पुरुषार्थ से बनी है? बाप ने उंगली पकड़ करके चलाया है इसलिए अवस्था बढ़िया बनी है। और जो बात सब बच्चों के लिए लागू होती है, वो ही बात जिस मुकर्रर रथ में बाप प्रवेश करता है उसके लिए भी लागू होती है। शुरू शुरू में वो आत्माओं का बाप मुकर्रर रथ को भी उंगली पकड़ करके चलाता है, इसलिए ऊंची स्टेज अनुभव होती है। बाद में जैसे जैसे बच्चों की पढ़ाई बढ़ती जाती है, बच्चे बड़े होते जाते हैं, तो क्या जिंदगी भर उंगली पकड़ के ही चलाते रहेंगे? हैं? ये अपने आप चलना सीखेंगे। कोई चलना सीखते हैं, कोई दौड़ना सीखते हैं, कोई उड़ना सीखते हैं, कोई हाई जंप लगाना सीखते हैं। तो ऐसे नहीं है कि बाप की प्रवेशता होने मात्र से ही पारस बुद्धि बन जाएगा। जितना याद करेगा, जितना ज्ञान की बातों में रमण करेगा, जितनी सेवा करेगा, जितने दिव्य गुण धारण करेगा, उतना आत्मा पारस बुद्धि बनती जाएगी। हाँ, ये निश्चित है कि और आत्माओं के मुकाबले, और पुरुषार्थी बच्चों के मुकाबले पहले पहले नंबर में उसे पारस बुद्धि बनना है, बाद में नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे। और बारह ज्योतिर्लिंग का प्रसिद्ध है, और माउंट आबू में अचलगढ़ है जो ज्योतिर्लिंग का जो है नीचे दिखाया हुआ है बच्चे में, बाकी जो बारह ज्योतिर्लिंग का ऊपर दिखाया है, उसका बेस में आपसे क्या अचलगढ़ का? अचलगढ़ जो है वो माउंट आबू में बना हुआ है, और माउंट आबू दुनिया का बड़े से बड़ा तीर्थ है। वो
वो बड़े से बड़ा तीर्थ दुनिया की नजरों में गुप्त है या प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है ऊपर? गुप्त है। लास्ट में जाकर के दुनिया को दिखाई पड़ेगा, इसलिए वो ज्योतिर्लिंगम भी अंदर है, बाहर नहीं दिखाई देता है। ऐसा भी टाइम आवेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, सबके जो डुप्लीकेट तीर्थ हैं, जहां से दुनिया में किसी की भी गति सदगति नहीं हुई है, उन तीर्थों से दुनिया में किसी को ठिकाना नहीं मिला है, सबकी बुद्धि भटकती रही है, परंतु वो अचलगढ़ से उस अचल स्टेज की यादगार को देख करके सारी दुनिया की बुद्धि को ठिकाना मिल जाएगा। ऐसा पुरुषार्थ हमको भी करना है। अभी जो पुरुषार्थ गुप्त चल रहा है या प्रत्यक्ष चल रहा है? गुप्त पुरुषार्थ है बाबा। हाँ, मुरली की पॉइंट है, अपनी अपनी चमकी की ड्रेस याद नहीं आती है क्या, इसका अर्थ क्या है? याद नहीं आती है। प्रैक्टिस करेंगे तो याद आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं याद आएगी। ज्ञान में आने के बाद जिन्होंने जितना उस याद का अच्छा फाउंडेशन डाला होगा, आत्मारूपी सितारे को याद करने का, उनका फाउंडेशन अच्छा पढ़ने के कारण उनको याद जरूर आती होगी। जिन्होंने फाउंडेशन में ध्यान नहीं दिया उनको कठिनाई होती है कि हम आत्मा बिंदी कैसे समझें, आत्मा हमारी चमक क्यों नहीं मारती, आत्मा चमकती हुई दिखाई क्यों नहीं देती। बाबा, कोई आत्मा धीमी गति से कलयुग में गिरती रहती है, लेकिन अंतिम एक जन्म में सबसे ज्यादा गिरती है, पतित पने की सीमा पार कर लेती है, तो ये तीन आत्मा के अलावा कि वो आत्मा 84 सभी आत्माएं अपने अंतिम जन्म में ही ज्यादा गिरती है, और अंतिम जन्म भी दो तरह से है। अंतिम जन्म जैसे प्रजापिता ब्रह्मा का गाया हुआ है, अंतिम 84वां जन्म भी है, और फिर एक्स्ट्रा आर्डिनरी 21वां जन्म भी है। ऐसे दुनिया के जो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले, उनका अंतिम जन्म भी है, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 21वां जन्म भी है, जिसे एक्स्ट्रा आर्डिनरी जन्म कहे। और बाबा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी तुलसीदास चंदन घटे तिलक कर बुहीर था। हाँ जी, मुरलियों को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो बार बार वो ही प्रश्न करते हैं। चित्रकूट जो है, कूट माने पहाड़, कैसा पहाड़, जिसका चित्र है लेकिन वो इन आंखों से देखने में नहीं आता,
ऐसे पुरुषार्थी जीवन का पहाड़ है। ऊंची स्टेज में रह करके पुरुषार्थ करने वालों का पहाड़। पहाड़ तो पत्थरों का ही होता है, जरूर पत्थर बुद्धियों का पहाड़ है। उसको नाम दिया गया है चित्रकूट का घाट। घाट किस बात के लिए प्रसिद्ध होता है? है? कपड़े धोने के लिए घाट प्रसिद्ध होता है, स्नान करने के लिए घाट प्रसिद्ध होता है। तो इस चित्रकूट के घाट पर ज्ञान का स्नान कराया जाता है। वहां संतों की भीड़ होती है, जो जन्म जन्मांतर की संत आत्माएं हैं। असंतों की भीड़ नहीं होती है। दुनिया के मुकाबले उन्होंने सत्य कर्म किए हैं। उन सत्य कर्मों के फल स्वरूप उनको आखिरी जन्म में भगवान की पहचान मिलती है। भीड़ के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। वहां चंदन घिसने का मुख्य काम तुलसीदास जी करते हैं। तुलसी कोई दूसरी आत्मा नहीं है। मुरली में बोला है, अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दिए। तो जो ये वाक्य बोले हैं कविता के, वो तुलसीदास के वाक्य हैं। रामायण तुलसीदास ने रची है। इससे साबित होता है ये वाक्य की रचना करने वाला तुलसीदास की आत्मा राम वाली आत्मा ही थी, जिसके मुकर्रर रथ में शिव बाप आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। उस ज्ञान का वो राम वाली आत्मा पहले पहले नंबर में मंथन करती है। तो ये यादगार बन गया है। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे। अकेले तुलसीदास की बात नहीं है, जो जितना जितना ईश्वरीय ज्ञान का मंथन करता है ये चंदन घिसता है, उसको भगवान जन्म जन्मांतर का राज तिलक देते हैं। उन राज तिलक पाने वालों में जो हीरो पार्टधारी राम की आत्मा है वो अव्वल नंबर में पार्ट बजाती है। इसलिए जो ओट है सो पहला नंबर अर्जुन कहा जाता है। और जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब भोग लगाते थे, भोग लगाना मोती बाल का भूसा है, मोती बाल का भूसा है, भोग में लगाना थे। ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे तो भोग लगाते थे। तो ब्रह्मा बाबा ज्ञानी थे या अज्ञानी थे? अरे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा के साकार पार्ट की पहचान थी, थी या नहीं थी? है? नहीं थी तो उनकी बात ही छोड़ो। बाबा
बाबा हाँ। बाप ने बच्चों की परीक्षा लेने के लिए माया को निमित्त बनाया है, तो माया की भी परीक्षा होती है तो कौन निमित्त बनता बाबा? माया की परीक्षा होती ही नहीं है, माया इतनी उस्ताद है कि स्वयं अपनी परीक्षा लेती है। और बाबा ये एडवांस की आत्मा जो अभी शरीर छोड़ेगी तो वो प्रवेश करके पार्ट बन जाएगी या गर्भ से जन्म लेगी? एडवांस की आत्मा कहीं नहीं जाएगी अगर शरीर छोड़ती है। एडवांस की आत्मा उसे कहेंगे जिसके भक्ति के संस्कार खलास हो गए हों। भक्ति माने अज्ञान। अगर भक्ति के थोड़े भी संस्कार रह जाते हैं तो शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर छोड़ने वाली आत्मा एडवांस की नहीं है बाबा? अरे शरीर छोड़ रही तो भक्ति है, भगत भगत हैं या ज्ञानी हैं? भगत हैं। कोई ना कोई बात उनके अंदर 100% ऐसी पक्की हो जाती है जो शरीर छोड़ना पड़ता है। ज्ञान दिया एडवांस तो शरीर क्यों छोड़ना पड़े? बाप शरीर छोड़ना सिखाने आए हैं? शरीर छोड़ना माना मरना। बाप जीते जी मरना सिखाने आए हैं यह शरीर छोड़ना सिखाने आए हैं? शरीर छोड़ने का काम बेसिक वालों में हो रहा है या एडवांस वालों में होना चाहिए? बेसिक वालों में होना चाहिए। एडवांस में आकर के जो आत्मा बाबा भक्ति जिसकी पूरी नहीं हुई शरीर अगर छोड़ेगी हाँ, तो वो छोड़ने के बाद में वो एडवांस में ही प्रवेश करके पार्ट में जाएंगे किस जन्म लेगी? अगर अकाले मौत में शरीर छोड़ा है तो जरूर उनको थोड़े समय प्रवेश करके पार्ट बजाना पड़ेगा। और ये कोई जरूरी नहीं कि एडवांस वालों में ही प्रवेश करे, बेसिक वालों में भी प्रवेश कर सकती है और दुनिया वालों में भी प्रवेश कर सकती है। 63 जन्मों का हिसाब जहां जहां कहां रहा होगा उनके संग वो पार्ट बजाएगी। हाँ जी लौकिक में भी प्रवेश कर सकते बाबा? लौकिक में भी हाँ जी हाँ जी। बाबा भक्ति मार्ग में भगवान को बुलाते हैं तो फिर अभी बाबा बाबा बोले तो भक्ति भी बोलते बोले? बाबा बाबा बोलना एक दिल से होता है, एक होता है दिल से बाबा बाबा बोलना पहचान करके, और भक्ति मार्ग में पहचान करके बोलते हैं या बिना पहचाने बोलते हैं तो टैली क्यों करना? और मांडवा माना क्या? ये आकाश मांडवा है, ये चंदोवा लगा है इसको मांडवा कहेंगे। इस मांडवे के नीचे हम बैठे हुए हैं, ये हद का मांडवा है, ये आकाश बेहद का मांडवा है। और बाबा शंकर और कृष्ण के अनेक नाम होते हैं, वैसे राम के अनेक नाम क्यों नहीं होते? राम के नाम रघुपति किसका नाम है? हैं राघव किसका नाम है? अब आपको नहीं मालूम है तो आपने बिल्कुल कप लिप्पा ही लगा दिया। है ओम शांति तत्सत, ओम शांति तत्सत, ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये पहले पहले कहने वाला कौन है? ओम शांति पहले पहले इस सृष्टि पर किसने बोला होगा? है आज भी बोला ओम शांति, डबल ओम शांति। तो ये डबल ओम शांति किसने किसने बोला है? बाबा जब क्लास में आके बैठते थे
तो बोलते थे ओम शांति, डबल ओम शांति। तो डबल ओम शांति क्यों बोला? दो आत्माएं हैं, एक सेवा और दूसरा ब्रह्मा बाबा। तो दोनों में ओम शांति पहले कौन बोलता है? अरे दुनिया में पहले पहले किसने ओम शांति बोला होगा और उस स्वरूप में टिक करके किसने बोला होगा? ब्रह्मा स्वरूप में पहले टिकता है। ये ज्ञान कौन देता है आकर के ओम शांति का? शिव बापी पहले बोलता है। तत्त्वम जो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ वही तुम हो। तुम माने जो सन्मुख बैठते हैं। सन्मुख बैठना भी दो प्रकार का होता है, एक वो सन्मुख हुए जिनको इमर्ज करके सन्मुख किया, और अभी बहुत सन्मुख हैं जो प्रैक्टिकल में सन्मुख होते हैं। इमर्ज करने की बात नहीं है, तो ओम शांति तत्त्वम। जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ सदैव, कौन? शिव बाप। ऐसे ही तुम आत्मा भी शांत स्वरूप हो। आकार शरीर से सूक्ष्म शरीर योग करते हुए सूक्ष्म शरीर निकाल के उसको अवस्था को साकार शरीर होते हुए अवस्था सूक्ष्म शरीर निकलते हैं। साकार शरीर होते हुए भी सूक्ष्म शरीर निकलते हैं। सूक्ष्म शरीर निकलते हैं उसको कौन सी अवस्था है? जैसे माउंट आबू में बोला गया हाँ, जब अंत में साकार शरीर से पुरुषार्थ करते करते सूक्ष्म शरीर निकल के जब आप सोते हैं तो सोते समय स्वप्न में आत्मा उड़ करके कहाँ की कहाँ चली जाती है? शरीर जाता है या सूक्ष्म शरीर जाता है? ऐसे ही है बाबा। हाँ, अवस्था कौन सी स्थिति है? वो स्वप्नवत स्थिति कहेंगे। एक ऐसी भी स्थिति हमारी बनेगी कि जब चाहे तब हम अपने स्थूल शरीर को छोड़ दें और सूक्ष्म शरीर से दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को घुमा करके और हम वापस आ जाएं। ऐसी संपन्न स्टेज भी बनेगी सूक्ष्म शरीर की बाबा। हाँ, अमृत वेला मुरली सुनना अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। अमृत वेला 3 बजे से याद में बैठने के बाद बुद्धि एकाग्र हो जाती है। उस एकाग्र हुई बुद्धि से कोई भी कर्म कर्मेंद्रियों से न करते हुए जो अमृत वेले मुरली सुनी जाती है सारे दिन के लिए उसका फाउंडेशन पक्का पड़ जाता है। बाबा कहूँ कि जो उसमें जैसे ही 7 बच्चे मर गए और उसमें 8वां जो बचा वो अष्टाध्यायी की आत्मा जो आठ नारायण हुए, 8 नारायणों में 1 नारायण कृष्ण की आत्मा है। वो कृष्ण वाली आत्मा अभी भी कोई साकार शरीर में प्रवेश करके 5 बजाए रही है।
कंसी और जरासिंधियों से युद्ध कर रही है। बाकी कंस के दरबार में पलने वाले जो सात नारायण और हैं, जो कम कलाओं वाले हैं, जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, उनको कंस कोस लेता है। मायावी युद्ध में हार जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। वो बात शास्त्रों में दिखाई गई है। वो सात बच्चे पहले पैदा होते हैं, माने बेसिक ज्ञान में संगम भी कृष्ण वाली आत्मा बाद में आती है। और जो सात कृष्ण हैं वो पहले ही ज्ञान में आ जाते हैं, परंतु उनको कंस कोस लेता है, मार लेता है, आधीन बना लेता है। वो सातों नारायण अभी भी बेसिक नॉलेज में सहयोगी बने पड़े हैं, न बाप को पहचानते हैं और न दूसरों को पहचानने देते हैं। और माना कौन सी वाली आत्मा जो कन्या को पोषने वाली बाबा, जिनके से जिन जिन्होंने जिनको मारा है, वो क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड होगी? सातों नारायण सात धर्मों से कनेक्टेड है, एक धर्म की बात थोड़े ही है। सातों ही नारायण एक दूसरे से छोटे हैं, कम ताकत वाले हैं। कौन सा जाति है? कौन सा पाद है? सात नारायण में कोई इस्लाम धर्म का पाठ बजाता है, कोई बौद्ध धर्म का पाठ बजाता है, कोई क्रिश्चियन धर्म का पाठ बजाता है। जिस नंबर का सतयुग में नारायण बनेगा उसी नंबर के धर्म में जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा। शिखंडी, शिखा कहते हैं चोटी को। तुम बच्चे हो चोटी के ब्राह्मण, तो चोटी के ब्राह्मण सब होंगे या रुद्रमाला में कोई दो मण के ही होंगे चोटी के ब्राह्मण? है रुद्रमाला में दो मण के ऊपर के ऐसे हैं, दाई ओर का मण का और बाई ओर का मण का। लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी कोई रुद्रमाला की है? रुद्रमाला की बात हो रही है। उनमें एक है अंडी और एक है अंडा। इसलिए उसका नाम पड़ा है शिखंडी। उसका काम है बड़े बड़े सन्यासियों को बाण मारना और मार गिराना। है जो रुद्र का पाठ बजाने वाली है, शंकर का पाठ बजाने वाली है, जगत पिता का पाठ बजाने वाली है, वो बाप है, पुरुष रूप में पाठ बजाती है। और जो उसकी सहयोगिनी शक्ति बनती है रौद्र रूप धारण करने वालों में, उसको महाकाली कहा जाता है।
वो इतना विकराल पार्ट बजाती है और रौद्र रूप धारण करने वाले क्या सहयोगी बनती है। हाँ जी अभी भी बाल किसे कहा जाता है और नाबालिग किसको कहा जाता है? एक होता है बाल और एक होता है नाबालिग। कम उम्र वाला जो समझदार नहीं होता है उसको बाल कहते हैं। जिनकी बुद्धि में ज्ञान पूरा नहीं बैठता है, बिना ज्ञान को समझे, बाप को पहचाने और ज्ञान यज्ञ में समर्पित हो जाते हैं, वो ही बाल विवाह है। है हाँ बोलो 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 खुद ही बोलो। सत्तर साल या उसकी ऊपर की जो भी आत्मा है पूरा शरीर पूरा कटा हुआ है और वो आत्मा शरीर छोड़ देती है पुराने आत्मा, तो क्या वो आत्मा प्रवेश करके पार्ट बजाई जब पुनः जन्म लेगी? प्रवेश करके वो ही आत्माएं पार्ट बजाती हैं जो अकाले मौत में शरीर छोड़ती है। जिनका अकाले मौत में शरीर नहीं छूटता है वो प्रवेश करके पार्ट नहीं बजाती। नवग्रह हैं, नौ रतन हैं, नौ देवियों के नौ दिन हैं, नंबर बार ही तो नौ देवियां प्रत्यक्ष होंगी, तो उनके नौ दिन निश्चित कर दिए गए हैं भक्ति मार्ग में। और डेढ़ सौ साल अंग्रेजों ने जो राज्य किया है वो आदि में राज्य किया है या अंत में राज्य किया है? हैं? अंत में ही तो राज्य किया है, हैं? अंत में ही होगी। और परिस्थाई स्वरूप को याद करो। परिस्थाई स्वरूप वो है जिनका फर्श वालों से कोई रिश्ता नहीं, वो अपनी संपन्न स्टेज को याद करो।
फरिश्ता यहाँ बनना है या शरीर छोड़ने के बाद ऊपर बजा करके बनना है, है? हाँ उसको स्मृति मिलाओ कि ऐसी स्टेज हम बनाए इस फर्श की दुनिया के जो भी देह के संबंधी हैं उनसे हमारा कोई भी रिश्ता बुद्धि का न रहे, याद ही न है। मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज माने सूक्ष्म शरीर, ऐसी स्टेज बन जाए जिसमें ज्ञान की बातों का मनन चिंतन मंथन ही चले, देह और देहधारियों का और देह के पदार्थों का मनन चिंतन न चले, ऐसी ज्ञान की सूक्ष्म स्टेज बने कि नई दुनिया का ही मनन चिंतन मंथन चले। ये पुरानी भस्म होने वाली दुनिया की कोई बातें याद ना आए, ऐसे मन की सूक्ष्म स्टेज बने कि सेवा के सब संकल्पों के अलावा कोई संकल्प याद ना आए, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीरधारी देवता फरिश्ता। वो अव्यक्त स्वरूप है, वो इन आंखों से थोड़ा ही देखा जाता है, वो तो अनुभव करने की चीज है। अरे दुनिया क्या कहती है हम उन बातों में क्यों जाएं? दुनिया की बात में बाबा आत्मा की होती है। हाँ वो आत्मा सुनती है क्या? आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तुरंत जाके गर्भ में जन्म ले लेती है। हाँ जी अरे क्या क्रिश्चियन लोग 10 दिन करते हैं? पारसी लोग 10 दिन करते हैं क्या? मुसलमान लोग 12 दिन 13 दिन 10 दिन करते हैं क्या? ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, जैसा गुरुओं ने चला दिया वैसा चल रहा है। वो उन गुरुओं को पकड़ो, उन गुरुओं की शूटिंग करने वाले उन ब्रह्मा कुमारियों से पकड़ो। बाबा तो सच्ची बात बताते हैं, वो बातें आपको याद नहीं आती, भक्ति मार्ग की बातें याद आती हैं। आपका दिल किधर लुढ़कता है? चलो।